आज मैं तुझे स्टोरी सुनाऊंगा लकड़हारे की कुल्हाड़ी। एक दिन एक लकड़हारा पेड़ पर बैठकर अपनी लकड़ी काट रहा था, पेड़ की लकड़ी काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था, अचानक लकड़हारे के हाथ से छूटकर एक कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उदास लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। भाई रोने लगा, वो इसकी कुल्हाड़ी गिर गई, और वैसे भी कुल्हाड़ी उसकी कमाई का एक। हाँ मेरे बोतल मर जाएगी अच्छे अच्छा से ओके तब। ठीक है, सॉरी बेटा। गजब बेइज्जती है। एक्चुअली हमने कभी किताबें ऐसे रखी नहीं ना इतने ध्यान से। अच्छा, तभी नदी में से एक देवदूत बाहर आया। उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने कहा, लकड़हारे यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, इस कुल्हाड़ी से मेरा क्या काम। वो ईमानदार था, है ना, उसको अपनी कुल्हाड़ी पसंद थी, चाहिए थी। देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह चांदी की वह कुल्हाड़ी लाया और बोला, लकड़हारे यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, आप मेरी लोहे की कुल्हाड़ी लाई है, मैं नहीं मानता। देवदूत ने एक बार फिर नदी में डुबकी लगाई। अब की बार वह लकड़हारे की कुल्हाड़ी ले आया और बोला, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवदूत लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी उसे उपहार में दे दी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि सच्चाई और ईमानदारी सफलता की सीढ़ी है। लेकिन अब इसका पार्ट टू भी सुनाता हूँ मैं तुझे। एक बार क्या हुआ, लकड़हारा और लकड़हारे की बीवी पेड़ पे बैठे हुए थे। वो बात कर रहे थे, अचानक उसकी बीवी नीचे गिर जाती है पानी में। देवदूत फिर आता है। देवदूत ऐसे डुबकी लगा, वो पूछता है, क्या हुआ? कह रहे, मेरी बीवी गिर गई। तो देवदूत दो पानी से बाहर आता है उस एक सुंदर सी औरत के साथ, कहता है कि ये लो तुम्हारी बीवी। तो लकड़हारा कहता है, हाँ जी ठीक है। वो कहता है, तू तो बहुत बेईमान है, पिछली बार तो तूने अपनी कुल्हाड़ी अपनी ही ली थी, इस बार एकदम इस औरत को देख के कह रहा है कि ये मेरी बीवी है। उसने कहा, महाराज मुझे पता है कि आप फिर जाते, फिर देखो और लेके आते, फिर बाद में मेरी असली बीवी लाते और मुझे वो भी देते और ये दो और भी देते, और इतना का खर्चा कैसे उठाता।